हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर के आया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जी हां, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा क्रिकेट ट्रायल, यस हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन जो है उसके ट्रायल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इस पूरी वीडियो में जो है पूरा एक प्रोसेस रहेगा कि कैसे जो हरियाणा में बच्चे रहते हैं, जो वहाँ पढ़ते हैं, वो कैसे अपने स्टेट की टीम में आ सकते हैं, कैसे अंडर 14 से लेकर के अंडर 23 तक, रणजी ट्रॉफी से लेकर के सीनियर वुमेंस और जूनियर वुमेंस तक, सभी का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। और ये प्रोसेस जो है अगर आप फॉलो करेंगे तो आसानी से जो है अपने स्टेट की क्रिकेट टीम में आ सकते हैं। जी हाँ, अंडर 14 से लेकर के 23 रणजी ट्रॉफी, सीनियर मैन और वुमेंस सभी के बारे में आपको बताऊँगा। अगर आप अपने स्टेट की टीम में आ जाते हैं तो आपको जो है स्टार्टिंग से ही पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ, ट्रायल फीस कोई नहीं लगती है, शुरुआत से जो है जैसे कि आपका जो प्रोसेस स्टार्ट होता है ट्रायल का, वहीं से आपको पैसे मिलना स्टार्ट हो जाता है। सारा खर्चा जो है हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन आपका उठाती है। जी हाँ, बस आपको क्या करना है, आपको जो है स्टेप्स को फॉलो करना है, इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लिख करके रखना है, क्योंकि वीडियो देखते देखते कुछ पॉइंट्स जो है आप भूल जाते हैं। जी हाँ, वीडियो के एंड में जब आप ये वीडियो फिनिश होगी, आपको अच्छा हो सकता है कुछ मेरी बातें जो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई वो आप भूल जाएं या मिस कर दें, तो आप जो है उनको लिख करके रखें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो अपने स्टेट की क्रिकेट टीम में आना चाहते हैं, हरियाणा की टीम में आना चाहते हैं, और या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दूसरे स्टेट्स में रहते हैं लेकिन अपनी तैयारी वो हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन या हरियाणा क्रिकेट टीम में खेलने की कर रहे हैं, वहाँ की वो प्लानिंग कर रहे हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है, बने रहेगा इस वीडियो में, लास्ट तक देखेगा प्लीज़। जी हाँ, जैसे कि हरियाणा एक स्टेट है और बहुत बड़ा स्टेट नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी छोटा भी नहीं है, एक मध्यम साइज़ का जो है स्टेट है ये हरियाणा। और इस हरियाणा में 25 ज़िले आते हैं, पूरे 25 डिस्ट्रिक्ट इस हरियाणा में। जी हाँ, 25 ज़िले हैं, जैसे कि फरीदाबाद है, गुड़गांव है, सोनीपत है, पानीपत है, कुरुक्षेत्र है, अम्बाला है, रेवाड़ी है, रोहतक है, हिसार है, कुरुक्षेत्र है, ये सारे जो ज़िले हैं ये हरियाणा स्टेट में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हरियाणा में भी जो है ज़िला क्रिकेट जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, यानी कि स्टार्टिंग वहीं से होती है, ज़िला से। जी हाँ, मैंने बिहार, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, इन सब के बारे में जो है वीडियोस बनाई है, वहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट होती है, डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होती है। सेम यहाँ पर भी मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन में कैसे आप अपने राज्य की टीम में आ सकते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो है हरियाणा के किसी भी ज़िले में जब आप रहते हैं वहाँ उस ज़िले में जो है आपको एक ओपन ट्रायल क्लियर करना होता है। जी हाँ, ओपन ट्रायल मतलब ये है कि हर साल आपके ज़िले में एक ओपन ट्रायल होता है, उस ट्रायल की कोई फीस नहीं होती है, कोई भी बच्चा जा कर के उस ट्रायल में जो है अपना फॉर्म भर सकता है और ट्रायल दे सकता है। जी हाँ, तो आपको पता कैसे चलेगा, आप किसी एकेडमी में या किसी ऐसे क्रिकेटर से संपर्क में रहें जो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे दे, या आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, अपने ज़िले का न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहें, फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हमारे ज़िले में ट्रायल होने वाले हैं अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, 23, 25 और रणजी ट्रॉफी, सभी का प्रोसेस सेम है, सभी को जो है ज़िला क्रिकेट एसोसिएशन, ज़िला क्रिकेट में जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है और वहाँ पर ओपन ट्रायल देना होता है। जब आप ज़िला के जो ट्रायल होता है उसमें आप पास हो जाते हैं, ज़िला के क्रिकेट ट्रायल के बाद में जो है ये 25 से लेकर के 30 बच्चों को जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाता है हर एज ग्रुप में, यानी कि अगर अंडर 14 की टीम बन रही है तो उसमें भी 30 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, 16 में भी 30, 19 में भी 23, 25, रणजी ट्रॉफी सब में 25 से 30 बच्चों को जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है ट्रायल के बाद ज़िला लेवल पर। फिर उन 25-30 बच्चों का कैंप लगता है। जी हाँ, कैंप जो है उसमें फील्डिंग, फिटनेस, प्रैक्टिस मैचेस, स्टाइल मैचेस ये सारे होते हैं, फिर एक अपनी ज़िले की टीम बनती है, हर ज़िले की एक टीम बनती है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया 25 ज़िले हैं तो 25 ज़िलों की 25 टीमें बनती हैं हर एज ग्रुप में, 16 की भी, 14 की भी, 19, यानी हर एज ग्रुप में जो है टीमें बनती हैं। फिर क्या होता है, फिर जितने भी 25 ज़िले हैं जब सबकी टीम बन जाती है ट्रायल के बाद में, तो 25 टीमों को 5 ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। जी हाँ, 5 ग्रुप्स बनाए जाते हैं, हर ग्रुप में 5 टीमें होती है, क्योंकि 5×5=25, 5 ग्रुप्स हो गए तो हर ग्रुप में 5 टीमें, और जब हर ग्रुप में 5 टीमें हो गई तो सबके आपस में मैच कराए जाते हैं, यानी हर ग्रुप में 4 लीग मैच आपको दिए जाते हैं खेलने के लिए, हर बच्चे को जो है मैक्सिमम 4 मैचेस जो है मिल जाते हैं खेलने के लिए।
कई बार क्या होता है, कोई बच्चा परफॉर्मेंस नहीं करता था उसको बिठा देते हैं, फिर उसके लिए जो एक्स्ट्राज में बच्चे हैं उनको मौका देते हैं। लेकिन देखो क्रिकेट जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का गेम है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कर रहे हैं शुरुआत से ही, तो आप लंबे समय तक आगे जा सकते हैं। जी हाँ, अगर आप शुरुआत में परफॉर्मेंस आपकी वीक है तो फिर आप जो है इग्नोर किए जाते हो, आपको नोटिस नहीं करता कोई भी। जी हाँ, तो आपको पहले अपने ज़िले में इंप्रेस करना है अपने सिलेक्टर्स को, फिर कैंप में आना है, फिर ज़िले की टीम में आना है, फिर जब मैचेस होंगे, ग्रुप वाइज मैचेस होंगे, 5 ग्रुप होंगे, हर ग्रुप में 4 लीग मैच होंगे, तो उन मैचों में आपको परफॉर्मेंस करना है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे, 5 ग्रुप्स, 25 टीमें और हर ग्रुप में 4 लीग मैच। जी हाँ, जब ये प्रोसेस, ये सेकेंड प्रोसेस है, पहला आपने ज़िला क्रिकेट ट्रायल दिया, फिर ज़िले क्रिकेट ट्रायल के बाद ज़िले की टीम में आकर के आपने जो है 4 लीग मैच खेले। जी हाँ, ग्रुप में। अब होता क्या है, जब 5 ग्रुप के पूरे सारे कंप्लीट हो जाते हैं मैचेस, तो फिर सुपर लीग होती है। जी हाँ, सुपर लीग होता है इस डिस्ट्रिक्ट लीग के बाद, यानी इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेस के बाद में सुपर लीग होती है। उस सुपर लीग में 4 टीमें होती हैं, उसमें आपको 3 लीग मैचेस मिलते हैं। जी हाँ, उन 3 लीग मैचेस में जो है आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी होती है, फिर आपको जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, यानी कि उन 4 टीमों में से जिसमें आप 3 सुपर लीग के मैच खेलते हो, उन 4 टीमों में से जो 3 लीग मैच होते हैं उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर जो है आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है कैंप के लिए। जी हाँ, जब कैंप लगता है, ये फाइनल कैंप लगता है। हाँ, सुपर लीग के बाद जो कैंप लगेगा, फाइनल कैंप लगेगा, उसमें 40 से 50 बच्चों का सिलेक्शन होता है, उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, और उस शॉर्ट लिस्टेड के बाद में उन बच्चों को जो है वहाँ पर जो है कैंप में उनकी फील्डिंग फिटनेस और जो उनका बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर या विकेट कीपिंग है उनका जो है सब कुछ जो है देखा जाता है। फिर फाइनल उन सभी बच्चों में से एक 15 खिलाड़ियों की टीम बनती है हर एज ग्रुप में, यानी 14, 16, 19, 25 और रणजी ट्रॉफी। जी हाँ, इन सब की टीम बनती है। तो ये प्रोसेस है, 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, ज़्यादा नहीं। आप अपने ज़िले में जाइए, ओपन ट्रायल दीजिए, फिर ज़िले की टीम में आके इंटर डिस्ट्रिक्ट मैच खेलिए, फिर सुपर लीग खेलिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट के बाद सुपर लीग, सुपर लीग के बाद में जो है कैंप लगेगा, कैंप में आपको जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से, फिटनेस का हो, फील्डिंग का हो, या आपका मेन स्किल जो बैटिंग बॉलिंग है, विकेट कीपिंग या ऑलराउंडर आप हैं उसका हो, हर किसी का जो है फाइनल कैंप में जो है प्रदर्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि सिलेक्टर्स जो आपको पसंद करें और आप अपने गेम से सिलेक्टर्स को इम्प्रेस करें। जी हाँ, इम्प्रेस करना होता है इस पूरे प्रोसेस में, जिला से लेकर के फाइनल कैंप तक जो है सिलेक्टर्स आप पे निगाहें रखते हैं। हर लेवल पर सिलेक्टर्स होते हैं, जब लीग मैचेस होंगे या इंटर डिस्ट्रिक्ट या सुपर लीग, सब जगह जो है सिलेक्टर्स होते हैं, देखते हैं, वो आपको सिलेक्ट करते हैं, उनकी ड्यूटी होती है। और जी हाँ, मैंने शुरू में ही बताया था, देखो ओपन ट्रायल से लेकर के और फाइनल कैंप तक कोई पैसा आपका नहीं लगता, सारा खर्चा एसोसिएशन उठाती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करनी होती है, मेहनत के दम पर आपको आगे बढ़ना होता है, अपना गेम दिखाना होता है। जी हाँ, पैसा मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा अंडर 14 से ही, 16 से ही, हर मैचेस में जो है आपको पैसा खेलने का मिलेगा। इवन अगर आप बाहर बैठे हो, बाहर बैठने का भी आपको पैसा मिलता है, जब आप ट्रैवल करते हो, कोई ट्रॉफी होती है, जैसे अंडर 14 की ट्रॉफियाँ होती है दुर्पांडा, तो जब आप ट्रैवल करते हो, हवाई जहाज में ट्रैवल करते हो, बहुत सारा होटल का खर्चा और सारा जितना भी होता है आपको जो है गवर्नमेंट या एसोसिएशन देती है। जी हाँ, तो ये एक सिंपल प्रोसेस था हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन की टीम में आने के लिए, अगर आप किसी हरियाणा के एक ज़िले में रहते हो। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि मैंने सिंपल स्टेप्स आपको बताए हैं, ऐसे स्टेप्स आपको बताए हैं कि आप जो है आसानी से उस स्टाइल के बारे में जानकारी लेकर उस ट्रायल्स में पार्टिसिपेट कर सके। जी हाँ, देखो किसी भी जब आप ट्रायल में जाते हैं तो 5 सिलेक्टर होते हैं, अगर 5 सिलेक्टर्स में से आपको 3 सिलेक्टर्स ने जो है पसंद कर लिया तो आप टीम में हो, अगर आपको 2 सिलेक्टर्स ने पसंद कराया, 3 ने नहीं कराया, तो आप रिजेक्टेड हो। आपको इम्प्रेस करना होता है मैक्सिमम सिलेक्टर्स को, यानी कि 5 में से 3 को, कम से कम 3 को तो करना ही पड़ता है। अगर 3 सिलेक्टर आपके प्रदर्शन से सहमत है तो आप टीम में हो, और अगर 2 ही लोग सहमत है आपके प्रदर्शन से तो आप रिजेक्टेड हो। तो मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ आप रिजेक्टेड हो, लेकिन आप स्ट्रगलिंग उसको बोल सकते हैं कि आप उस टाइम स्ट्रगल कर सकते हो। तो लेकिन ये नहीं है कि आपको इस बार, इस साल मान लीजिए आपने ट्रायल दिया, आप फेल हो गए, आप उस ट्रायल्स में जो आगे नहीं पहुंच पाए तो आप क्रिकेट छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है। देखो ट्रायल्स हर साल आते हैं, अगर मान लीजिए आप इस साल अंडर 14 का ट्रायल दे रहे हैं, अगले साल आप अंडर 16 का दे दीजिए, फिर आपके पास एक साल और मौका मिलेगा अंडर 16 का, फिर आप अंडर 19 का दीजिए, 23 का दीजिए, इवन आप सीनियर क्रिकेट रणजी ट्रॉफी के ट्रायल्स तक तैयारी करिए अपनी। क्योंकि देखो जो हार नहीं मानता वही टीम में आता है, जो हार मान लेता है, जो कहता है ना मेरे पास 1 साल है, मेरे पास 2 साल है, मैं आपको क्रिकेट को 1 साल दे सकता हूँ, 2 साल, 3 साल, वैसा बिल्कुल नहीं करना है। एक प्रोसेस में रहना, कंटिन्यू आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, तपस्या करनी है। तपस्या मतलब ये नहीं कि आपको किसी पहाड़ पर जा करके, पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या करनी है, ऐसा नहीं है। जब कोई क्रिकेटर
सुबह सवेरे उठ करके ग्राउंड्स पे जाता है, वहाँ जा करके जो है मेहनत करता है, क्रिकेट को सीखता है, फिटनेस लेवल अपना बढ़ाता है, फिर शाम को प्रैक्टिस पे जाता है, फिर वहाँ पर जो है अपनी परफॉर्मेंस सुधारता है, अपना गेम को इम्प्रूव करता है, मेहनत करता है और इधर उधर अपना टाइम ख़राब नहीं करता, अच्छा खाना खाता है, जो पौष्टिक खाना है क्रिकेटर को चाहिए वो खाना खाता है, समय से सोता है, समय से उठता है, सारी चीज़ें जो है एक अपनी प्लानिंग के हिसाब से करता है, डिसिप्लिन के हिसाब करता है, यही एक तपस्या होती है। जी हाँ, इसी को मैं तपस्या बोल रहा हूँ। तपस्या आप समझ गए होंगे कि कोई भी हार्ड वर्क जिसमें आपको जो है दौलत और शोहरत दोनों चाहिए होती है, चाहे वो ऑफिसर्स हो, चाहे वो क्रिकेटर्स हो, या कोई भी गेम हो, अगर आपको ये सारी चीज़ें हासिल करनी होती है तो आपको जो है डेडिकेटेड रहना होता है, डेडिकेशन दिखानी होती है, डेडिकेटेड रहो। यानी कि डेडिकेशन से मतलब मेरा ये है कि आप जब किसी गेम्स में आप आ गए हैं, मान लीजिए आप क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो अपना दिमाग जो है, अपना फोकस जो है सारा क्रिकेट पर रखें, इधर उधर ना भटकें। का आप अगर फुटबॉल मैच देखें तो सोचने लग जाए मैं फुटबॉल खेलने लग जाऊं, अगर आप किसी ऑफिसर को देख ले तो उनको देख करके आपको ये लगने लगे कि मैं ऑफिसर बन जाऊं, आप किसी एक्टर को देख के या किसी वीडियो को देख करके आपको ये लगने लग जाए कि मैं वीडियो क्रिएटर बन जाऊं, ऐसा नहीं करना है। आपको एक प्लान करना है, अपना एक लाइन सेट करना है, फिर उस चीज़ को जो है फोकस्ड होकर के वहाँ डेडिकेटेड रहना है, डेडिकेशन आपको इसको दिखाना है। डेडिकेशन का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक ही चीज़ पर डेडिकेटेड रहें, फोकस रहें, तपस्या करें और जो है क्रिकेट में आगे बढ़ें। हो सकता है जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से कुछ बच्चे अपने हरियाणा क्रिकेट की टीम में ट्रायल्स के लिए सोच रहे होंगे या तैयारी कर रहे होंगे, तो ऐसे बच्चों को मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूं और प्लीज़ हार्ड वर्क करते रहिएगा और ट्रेनिंग करते रहिएगा, अपने गेम को इम्प्रूव करते रहिएगा। ट्रायल्स जो होते हैं, देखो मैं आपको बता देता हूँ ट्रायल्स कब होते हैं, मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ। जब BCCI टूर्नामेंट कराती है, अक्टूबर के महीने में हमारे टूर्नामेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं, अंडर 14 से लेकर के अंडर 19, 23 रणजी ट्रॉफी, ये सारे जो हैं टूर्नामेंट्स अक्टूबर में ही स्टार्ट होते हैं। अक्टूबर से पहले जो होता है वो आपको पता ही है, बरसात का मौसम होता है इंडिया में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अगस्त, इन चारों महीनों में जो बारिश होती है, तो इन दिनों में कोई भी टूर्नामेंट नहीं होता है। इन दिनों में क्या होता है, ज़्यादातर स्टेट्स में जो है ट्रायल्स होते हैं, यानी कि मैंने आपको बताया मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो बरसात का जो मौसम होता है, ये जो गर्मियों का जो मौसम होता है, इन दिनों में ज़्यादातर ट्रायल्स का जो है प्रोसेस चलता है, लीग मैचेस होते हैं और क्या बोलते हैं कहीं कहीं ओपन ट्रायल्स होते हैं, सारा प्रोसेस अक्टूबर से पहले होता है, क्योंकि अक्टूबर के टाइम तक जो है हर स्टेट को अपनी टीम तैयार करनी होती है, क्योंकि अक्टूबर के बाद फिर जब टूर्नामेंट होता है तो फिर वहाँ टीम खेलने के लिए चली जाती है। ऐसा नहीं होता कि अक्टूबर में टूर्नामेंट है 15 तारीख से और 1 अक्टूबर को ट्रायल है, ऐसा नहीं होता है। सिलेक्टर्स को भी और अपने स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को भी जो है ट्रायल्स के लिए, टीम बनाने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है, ताकि खिलाड़ी जो है अपने आप को जो है अच्छे से इम्प्रूव कर सके और गेम के लिए तैयार रहें। जी हाँ, तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ये जो चैनल मैंने बनाया है ये क्रिकेट के इन्फॉर्मेशन के लिए ही बनाया है, ताकि बच्चे जो है सही जानकारी हासिल कर सके, गुमराह ना हो। क्योंकि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर बहुत सारे ट्रायल्स के बारे में जानकारी दी जाती है, आपने फेसबुक पर भी देखा होगा और इधर उधर भी देखा होगा कि ये ट्रायल हो रहे हैं, वो ट्रायल हो रहे हैं, यहाँ पे ट्रायल का पैसा लग रहा है, वो पैसा लग रहा है, तो आप प्लीज़ उन सारे ट्रायल्स को अवॉइड करें, वो ट्रायल्स देने का आपका कोई मकसद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप BCCI को फॉलो करें, अपना स्टेट जो है, स्टेट यानी कोई भी स्टेट जहाँ आप रहते हैं उस स्टेट में जो क्रिकेट एसोसिएशन है उस क्रिकेट एसोसिएशन को फॉलो करें, अपने जिला क्रिकेट एसोसिएशन को फॉलो करें, जिला क्रिकेट में आएँ, बाकी जो जितने भी ट्रायल्स जो हैं प्राइवेट ट्रायल्स हैं जहाँ पर पैसा लगता है खेलने का, वहाँ ट्रायल्स में जाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। जी हाँ, उनसे आपको बचना है, अपने BCCI को फॉलो करना है, BCCI के देने, क्योंकि BCCI आपको खेलने का पैसा देता है और कोई आपको पैसा नहीं देगा, आपसे पैसा मांगेंगे उल्टा ट्रायल के नाम पर। तो गुमराह ना हो और सही दिशा में बढ़ें, तत्पर रहें, और आप सबके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ, आप ट्रायल में पास हो जाएँ। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।